जी मैम, क्या कहेंगे आज के मीटिंग का क्या एजेंडा? आज ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे सरकार के सामने पेंडिंग डिमांड्स हैं। नर्सिंग अलाउंस है जो मेन मुद्दा रहा है, और ग्रुप बी नर्सिंग जो ऑफिसर्स हैं वो 4600 ग्रेड पे में आते हैं। सभी कैटेगरी जो 4600 ग्रेड पे ले रही हैं आज के दिन, वो सभी ग्रुप बी में आती हैं, लेकिन नर्सिंग के साथ सरकार ने जो है ना भेदभाव किया हुआ है। तो हमारा मुद्दा दो मांगों को लेके था ज्यादा, जो मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया कि जो पीछे 29 जनवरी को एचएम जो अनिल विज जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जिसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग दे दी गई है, और हमें नर्सिंग अलाउंस का 1200 रुपए पैरिटी के रूप में बोला गया था कि दे देंगे, लेकिन उसका भी सरकार ने अभी तक कोई प्रपोजल तैयार नहीं किया गया। उसके लिए भी एफडी में भेजने के लिए हमारे से दूसरे स्टेटों के प्रूफ मांगे जा रहे हैं, जो कि अन्यायपूर्ण मैं मानूंगी इस चीज को, कि सरकार को के सामने हमारी ये मांग 2100 रुपए से शुरू हुई थी 1998 के अंदर, और आज सेंट्रल गवर्नमेंट 9000 रुपए दे रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर कार्यरत जितने भी नर्सिंग ऑफिसर है उसको नर्सिंग अलाउंस के नाम पे कोई भी अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। मैं सुनीता, आज ऑल नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान के रूप में मेरे को चुना गया है। सारी कार्यकारिणी ने जितने भी हमारे सदस्य आए हुए हैं राज्य से, तो इन्होंने मेरे को सदस्य चुना है, तो मैं एक तो उसको बखूबी निभाऊंगी, और हमारे कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ओपीएस का मुद्दा है सबसे अहम। एक कर्मचारी के पास यही होता है कि जाते समय हमें एक पेंशन मिले, ताकि वो बुढ़ापे में उसकी लाठी बन जाए। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि ओपीएस के लिए हम सबको जागरूक करेंगे, और सरकार से ये हमारी मांग रहेगी। दूसरी हमारी नर्सिंग की डिमांडें हैं, जो बहुत लंबे समय से ये हमारी डिमांड मतलब चलती आ रही हैं। सबसे पहले जैसे नर्सिंग अलाउंस का मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपये दे रही है, हमारी सरकार हमें एक भी रुपया अलाउंस के रूप में नहीं दे रही है। दूसरा मेडिकल कॉलेज रोहतक जो है उनको 1200 रुपये मिलते हैं, तो हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारा नर्सिंग अलाउंस जो है वो 7200 रुपये दिया जाए, और आने वाले समय में हमारा रुख रहेगा अगर सरकार समय रहते। हमारी एक तो लोकसभा का चुनाव अभी है, तो सरकार अगर हमारी मांग या डिमांड को नहीं मानती है तो सरकार को पता ही चल जाएगा वोट परसेंटेज के हिसाब से। और ये मैं कहना भी चाहूंगी, अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम आगे भी धरने प्रदर्शन और ये करते रहेंगे। हो सकता है नर्सिस कोई ऐसा अड़ियल रवैया भी अपना सकती हैं जिसे सरकार को झुकना पड़ेगा, और हम सरकार को झुकाएंगे अगर सरकार हमारी डिमांड को नहीं मानेगी तो। बोल देना। मैं पूनम सराय नर्सिंग ऑफिसर गुड़गांव से हूँ, और आज मैं इस स्टेट की मीटिंग में आई हूँ। मुझे इस स्टेट की मीटिंग में एक नया पद दिया गया प्रेस सचिव का, उसके लिए मैं अपनी राज्य कार्यकारिणी का तहे दिल से सम्मान करती हूँ, और मैं इस पद पर जिम्मेदारी से काम करूँगी, और जो हमारी जो यूनियन है जो मांगों के लिए खड़ी है उसका भी मैं पूरा साथ दूँगी, और हमेशा यही कहूँगी कि हमारी जो नर्सिंग कैडर है उन्होंने कभी भी पेशेंट का नुकसान नहीं किया, वो हमेशा पेशेंट का फ़ायदा देख के चले हैं। कभी भी उन्होंने ऐसा काम कोई कदम नहीं उठाया कि कहीं भी कोई भी मरीज़ हॉस्पिटल में सफ़र करे। तो मैं अपनी पूरी राज्य कार्यकारिणी का इस बात के लिए पूरा सम्मान करती हूँ। अलग हटके तो यही स्टैंड है, अभी तक तो हम यही चाह रहे हैं कि सरकार आराम से मान जाए, आराम से हमारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दे, नहीं तो फिर अलग से हटके स्टैंड तो यही है जी कि हम बाकी जो होते हैं।